संबित, आपके पेपर दिखाने से एक एक सवाल एंकर के तौर पे नहीं है जी। एक एक भारतीय होने के तौर पर ये सवाल है। इनफैक्ट आपसे नहीं, आप पर जितने भी पैनलिस्ट हैं सबसे ये सवाल है, क्या इन कागजों को दिखाने से, क्या इन योजनाओं का बखान करने से, क्या इन योजनाओं में लिखे हुए पैसों का आंकड़ा दिखाने से सुखलाल वापस आ जाएगा या नत्थू जिंदा हो जाएगा? और वकार साहब, संबित पात्रा ने तो जो बातें रखी सो रखी, वो भी वो कह रहे हैं कि अभी तक कितना पैसा पार्क है, क्यों दिखाए, क्योंकि जो मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, संबित, संबित, ये हमारी सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी की हम पैसा दें, वो मैंने दिखाया। जी जी जी, उसी सवाल को मैं आगे लेकर जा रही हूँ। संबित वकार साहब, कितना पैसा पार्क्ड है वो संबित पात्रा ने आपके सामने रखा, और सिर्फ वो ही नहीं, 867 करोड़ रुपए आपके पास सेंक्शन हुए थे ड्राउट हिट एरियाज जो थे, सूखे से प्रभावित जो उत्तर प्रदेश था। सुन लीजिए वकार साहब मेरा सवाल, प्लीज सवाल सुन लीजिए सर, प्लीज मेरा सवाल सुन लीजिए, आपको आपसे जवाब चाहिए, मुझे इसीलिए सवाल पूछ रही हूँ सर। 867 करोड़ रुपया सेंक्शन हुआ था राहत पहुंचाने के लिए सूखा प्रभावित इलाकों में, उसका सिर्फ 52 करोड़ रुपया, जी 867 करोड़ में से सिर्फ 52 करोड़ रुपया यूटिलाइज किया जा सका। और ये हम नहीं कह रहे हैं या ये कोई अखबार दावा नहीं कर रहा, ये आपके बाकायदा जो चीफ सेक्रेटरी हैं आलोक रंजन साहब, उनकी तरफ से कहा गया, उनको गुस्सा आ गया कि सिर्फ 52 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, जैसे कि किसी और की जिम्मेदारी थी कि 867 रुपया करोड़ रुपया जो है वो कैसे खर्च किया जाना चाहिए, उसको मॉनिटर करना जैसे उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। तो पहले 867 करोड़ का अभी तक आप 52 करोड़ खर्च कर पाए, एक अमाउंट संबित पात्रा दे रहे हैं कि जो कि पार्क्ड है, आपको 10,000 करोड़ और चाहिए साहब, क्या चल रहा है ये सब? जो आपके पास है आप उसी से मदद नहीं पहुंचा पा रहे, आप गारंटी दे सकते हैं? जो व्यूवर्स इस समय देख रहे हैं, देश का सबसे बड़ा सूबा, उसकी सरकार ये गारंटी दे सकती है कि अब सूबे में किसी की मौत नहीं होगी भुखमरी से या प्यास से? अब आपने सवाल पूछ लिया, मैं जवाब दे दूं। देखिए, पहले पानी की ट्रेन पर जो मैंने कहा खाली भेजी थी, वो संबित पात्रा जी ने खुद एक्सेप्ट कर लिया, कल तक नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे ये, परसों भी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, परसों भी ये चैनल्स पर मेरे साथ थे। नहीं नहीं, मैंने फर्स्ट डे भी आपके साथ में फर्स्ट डे भी था, और फर्स्ट डे भी मैंने यही कहा था, प्लीज झूठ मत बोलिए। आपका शुक्रिया। ना ना, मैं पहले दिन भी जी न्यूज पे पहला डिबेट मैंने किया था और मैंने बिल्कुल यही जवाब दिया था। मैं अपने बातों से फेरता नहीं हूँ कभी भी, आप रिवाइंड करके देख लीजिए आदित्य जी, आप ही के चैनल पे पहला डिबेट मैंने किया था उस दिन, और एग्जैक्टली यही कहा था जो मैं अभी कह रहा हूँ। बात सुन लीजिए। नहीं नहीं, आप यही गुमराह कर रहे हैं जी, आप क्या गुमराह कर रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब अभी उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश हुई थी, उस वक्त उत्तर प्रदेश ने अपने पास से मदद बांटी थी, और केंद्र सरकार से जो हमने डिमांड की थी वो थी 7543 करोड़ रुपए की, और केंद्र सरकार ने ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश में जो फसलें खराब हुई थी उसमें उत्तर प्रदेश को सेंशन किए थे पैसे, वो 2800 करोड़ रुपए उन्होंने सेंशन किए थे, उसमें 4741 करोड़ रुपया अभी भी बाकी है, जिसको उत्तर प्रदेश ने उनसे गुजारिश की है दे दीजिए। दूसरी बात, जो सूखा पड़ा था अभी पिछली बार, उसमें उत्तर प्रदेश ने 2057 करोड़ रुपए इनसे मांगे थे कि हम किसानों की मदद करेंगे, इन्हीं ने उसमें से भी हमको नहीं दिया, 1123 करोड़ रुपए अभी भी बाकी हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इनसे वो भी मांगा है कि आपने पिछले हमारे वो भी नहीं दिए थे, 640 करोड़ रुपए ये मांगे क्यों गए, ये भी सुन लीजिए, सुन लीजिए साहब। अरे साहब, ये मांगे क्यों है, ये भी आपके प्रधानमंत्री जी को लेटर दिया गया है, उसमें ये मेंशन किया गया है कितना पैसा है, ये नहीं। आप पहले सर पहले आप ये बताइए, 867 करोड़ में से जो 52 करोड़ रुपया अभी खर्च हुआ सिर्फ, क्यों नहीं लोगों तक मदद पहुंचाई गई? क्यों नत्थू को मरने से पहले ही नहीं बचा लिया गया? क्यों सुखलाल को पहले ही नहीं बचा लिया गया? सर, वो आपकी सफाई सुनने के लिए समय मौजूद नहीं है सर? नहीं, बिल्कुल आप मेरी सफाई मत सुने, किसी की मौत हो जाए और मैं समझता हूँ आप सफाई सुनेंगी भी नहीं। नहीं, आप नाराज ना होइए, किसी की राशियों पर राजनीति नहीं हो रही है। अगर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी का साफ आदेश है कि अगर किसी की मौत भूख से होती है तो सीधे तौर पर डीएम जिम्मेदार होंगे, मुख्यमंत्री जी ने सीधा आदेश दिया है कि अगर भूख से किसी की मौत होती है तो सीधे डीएम जिम्मेदार होंगे। आपको ये पता है कि हमारे यहाँ जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जनाब अखिलेश जी ने राहत पैकेट बांटे हैं, राहत पैकेट बांटे हैं विश्व में, पूरी दुनिया में किसी ने ऐसे राहत पैकेट नहीं बांटे हैं, देसी घी भी मौजूद है, नमक तेल चावल गेहूं तो है ये, साथ में दूध का डिब्बा भी मौजूद है, और लगातार अगले चार महीने तक सभी को बुंदेलखंड में जो सूखा प्रभावित लोग हैं उन सभी को
चार महीने तक सूखा जो क्षेत्र में है उनको पैकेट बांटे जाएंगे, राहत सामग्री बांटी जाएगी, किसी को भी हम नहीं छोड़ रहे हैं, हम पूरे एक सिरे से लेकर आखिर तक देख रहे हैं जो लोग भी इसमें प्रभावित हैं। अदिति जी मुझे यहां फैक्ट सकने दीजिए, सर आपके हिसाब से सुखलाल प्रभावित नहीं था क्या? सर अगर आपसे हमने मदद मांगी है आप दे देंगे तो बेहतर है, लेकिन ये हमारे लोग हैं उत्तर प्रदेश में, हम इनको इस तरह नहीं छोड़ेंगे, हम इन तक मदद पहुंचाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार ने 73 सांसद जिताए हैं, केंद्र सरकार के सांसद अगर मदद देंगे तो ठीक है और नहीं देंगे तब भी हम अपने लोगों को भूख से तड़पते नहीं देंगे। राजीव त्यागी साहब, आपकी सरकार का रोल तो सबसे ज्यादा शासन तो आप ही की पार्टी ने किया है सर। आज जिस तरीके के हालात है उससे आपकी पार्टी पल्ला झाड़ नहीं सकती है। जल संसाधन मंत्रालय को लेकर, जो नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़े मंत्रालय थे उनको लेकर रवैया क्या रहता था? जो सबसे कम महत्व के मंत्रालय इनको माना जाता था, हालांकि आज जिस तरीके के हालात हैं शायद इन मंत्रालयों की अहमियत सबको आज शायद समझ में आ रही है, लेकिन आपकी पार्टी ने कभी ने तरजीह नहीं दी और उसी को आज हर किसी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सर देखिए अदिति जी, निश्चित रूप से आप ब्लेम कर सकती हैं, किसी को भी कर सकती हैं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं कुछ फैक्चुअल चीज़ें रखना चाहूँगा और उम्मीद है मुझे आप समय देंगी। भारतीय जनता पार्टी के मेरे प्रवक्ता बैठे हैं, उधर समाजवादी पार्टी के बैठे हैं। 2014-15 और 15-16 दो बजट भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत कर चुकी है। सूखे से निपटने के लिए कुछ विशेष चीज़ें होती हैं जिनको करना चाहिए था सरकारों को। पहली चीज़ तो यह है कि राइट टू फूड, जो भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए था कि कांग्रेस पार्टी कर गई थी अपने शासनकाल में, क्या उसको ठीक से इम्प्लीमेंट यूपी सरकार ने किया? दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है मनरेगा, मनरेगा है राइट टू वर्क, उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी देखेगी कि उत्तर प्रदेश को कितना बजट एलोकेट हुआ और कितने श्रम दिवस रोज के उत्तर प्रदेश में उपलब्ध हुए? अब मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर देता हूं। छह संबित पात्रा कोशिश करेंगे वित्त मंत्री से बात करने की, प्रधानमंत्री से बात करने की। आप सर उसमें मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा। आपने मनरेगा का जिक्र किया, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी उसे भ्रष्टाचार के स्मारक कहते हैं, हालांकि उस स्मारक के सारे वो आगे खुद भी बढ़ रहे हैं, लेकिन साहब मनरेगा में क्या काम हुआ? क्या तालाबों का संरक्षण हो पाया? कहाँ है पानी? बस खुदाई खुदाई होती रही। क्या हुआ नेचुरल रिसोर्सेज का सर? देखिए देखिए, अगर लेबर रेट की बात करेंगे तो 2004 में अगर किसी मजदूर को औसत मजदूरी पूरे देश में 38 रुपए मिलती थी तो वो बढ़ के 2014 में 136 रुपए हो गया। दीती जी, मनरेगा की वजह से हुई है। अब थोड़ा सा मुझे दो मिनट का समय दे दीजिए तो मैं फैक्चुअल चीजें रख दूं थोड़ा सा। देखिए, सूखे से निपटने के लिए किसान को MSP मिलनी चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलनी चाहिए, एग्रीकल्चर ग्रोथ ठीक रहनी चाहिए, साथ साथ खाद्य उत्पादन अगर देश का बढ़ रहा होता तो PDS सिस्टम अगर दुरुस्त होता उत्तर प्रदेश का तो निश्चित रूप से लोगों को भूख से मौत नहीं होती, क्योंकि उत्तर प्रदेश का PDS सिस्टम चरमराया हुआ है। जो माल, जो खाद्यान्न वस्तुएं BPL परिवारों और APL परिवारों के लिए जाती हैं वो खुले बाजार में बेच दी जाती हैं और उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में है। असीम वकार अगर उसकी जांच कराएंगे तो हो सकता है कि किसानों तक 35 किलो जो खाद्यान्न पहुंच रहा है वो ठीक से पहुंच पाए। जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसको लागू जो किया गया उसके बाद मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की, लेकिन घोषणाएं सिर्फ वो कागजों में सीमित रह गई, इसके बाद जमीन पे उतर नहीं पाई। विगत दो वर्षों में मोदी शासनकाल के दौरान 0.45% की दर से कृषि विकास दर हुई है पूरे देश में, जो एक चिंता का विषय होना चाहिए था। लोकसभा में उठाए हुए क्वेश्चन के तहत मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा। ये आंकड़े मत दिखाइए प्लीज सर। 15-16 में हकीकत सबके सामने, योजनाओं में आप एक बड़ा सा अमाउंट दिखा देते हैं सर, उसकी हकीकत भी सबको दिखाई देती है। आलोक मेहता जी, आलोक मेहता जी, ये आंकड़े सब पेश कर रहे हैं, योजनाएं भी सब गिनवा रहे हैं, पैसा भी सब गिनवा रहे हैं। लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा जी, आपने समय कम दिया। जमीनी हकीकत क्या है? लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा जी, आपने समय कम दिया। वो राजीव जी भी आगे भी आपके पास आऊंगी, एक और पैनलिस्ट है मेरा। और वैसे देश ने आपको, वैसे आपको देश ने 7 साल से भी ज्यादा का समय दिया सर, देश ने आपको 7 साल से भी ज्यादा का समय दिया। आप आलोक जी को आ जाने दीजिए, मैं अभी ब्रेक के बाद जब आऊंगी तो आपके पास आ जाऊंगी सर, मैं आ जाऊंगी। प्लीज आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, आपको बुलाया ही बोलने के लिए। ब्रेक के बाद पक्का आऊंगी सर, प्लीज आलोक जी को बात पूरी कर लीजिए, उनकी भी बात सुन लीजिए प्लीज। आलोक जी देखिए, मुझे लगता है बहुत ही दुखद है जिस तरह की बात से आपने शुरुआत की है, जो लोग भूख से मर रहे हैं। बुंदेलखंड में पहला अवसर नहीं है, महाराष्ट्र में भी ये पहला अवसर नहीं है जिस इलाकों में सूखा पड़ता रहा है।
थोड़ा समय से पहले यदि इंतजाम हो जाए जैसा अभी तो अच्छा, और इसलिए हम लोग आप और हम यहाँ जो बैठे हैं वो किसी पार्टी से हम लोगों का लेना नहीं है, इसलिए मेरा निवेदन ये था कि इस पर एक दूसरे पर आरोप लगाएं हमने दिया उन्होंने नहीं किया, समित जी से भी निवेदन करूंगा और मैं मोदी जी के सामने भी ये बात कह चुका हूं, जब तक आपके सांसद आपके विधायक आपके कारपोरेटर हम लोगों की मदद नहीं करेंगे, जनता की मदद मतलब मीडिया की मदद नहीं करें लेकिन जनता की मदद यदि नहीं करेंगे उनके सुख दुख में साथ नहीं देंगे, समित जी भी जानते हैं आप अभी कभी नोएडा आ जाइए कभी उधर दूसरे इलाकों में इस दिल्ली चले जाइए यूपी में चले जाइए, आप उनसे पूछिए कि आपके इलाके के MLA MP वो किसी पार्टी के भी, मैं नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस इसीलिए हारी, राजीव त्यागी जी भी इस बात को मानेंगे, वो एक्टिव रहते होंगे उनके इलाके के जिन लोगों ने काम नहीं किया इसलिए उनकी हारी होगी, वही समाजवादी पार्टी की सत्ता होते हुए भी मुलायम सिंह जी अखिलेश जी क्या सब जगह बांट सकते हैं, वकार साहब कह रहे हैं ठीक है कि योजना बनाई गई आंकड़े पैसे भी आपने जैसा बताया खर्च नहीं किया गया, ये किसकी जिम्मेदारी है, खाली वोट लेने के लिए आप 2000 चूंकि अगले 6 महीने बाद चुनाव होना है तो आप सब लोग इस बात को एक दूसरे को कहेंगे कि उसने तुमको नहीं दिया वो मर रहा है मर गया तुम्हारी वजह से, मेरा निवेदन ये था कि इनमें आपस में टकराने के बजाय क्या आप लोग इस मामले में एकमत नहीं हो सकते जी। कल जब संसद में सबकी तनख्वाह बढ़ना है विधायकों की तनख्वाह बढ़ना है तो सब सर्वानुमति है किसी भी पार्टी में, अजीत जी आप 2 दिन बाद रिपोर्ट करेंगी बिल्कुल सहमति एक स्वर ध्वनि से नहीं हाथ खड़े करके पैर खड़े करके सब लोग अपना तनख्वाह बढ़ा रहे हैं लेकिन इस बात के लिए एक नहीं होते कि चलो हम बुंदेलखंड चलें जी। हम महाराष्ट्र चलें हम और राज्यों में जहां पर सूखा है पानी लेकर के जाएं और उनके लिए रोटी का इंतजाम करें जिसको नहीं मिला है उसको दे दें, वो वर्कर आपके कहां गए 10-10 करोड़ जिसके मेंबर हैं वो लोग क्यों नहीं सहायता करते सरकार MLA का गला पकड़ ले कि क्यों नहीं रोटी मिल रही जी, आप तंखा बढ़वाने की बात करें मैं यहाँ पे ये कह देती हूँ क्योंकि यहाँ पे तंखा सांसदों की या नेताओं की नहीं बढ़नी है, यहाँ पर तंखा उस वोटर की बढ़नी है उसी वोटर की बढ़नी है जो इन्हें वोट देकर आता है, इसलिए उसकी परवाह किसी को है नहीं, लेकिन सवाल कुल मिलाकर ये होता है इस देश में सूखे पर बात तब क्यों होती है जब सूखा पड़ जाता है, इस देश में महंगाई पर बात तब क्यों होती है जब महंगाई आ जाती है, इस देश में 18 करोड़ लोग रोज भूखे सोते हैं, शायद हमारे चारों पैनलिस्ट को इस बात को ध्यान से सुनना चाहिए और अपनी पार्टीज में जाकर बोलना भी चाहिए, 18 करोड़ लोग इस देश में हर रोज भूखे सोते हैं, क्या इस देश में फॉरवर्ड प्लानिंग नाम की कोई महकमा है कोई प्लानिंग है कोई सोचता है कि भविष्य क्या होगा।